लब पर आए गीत सुहाने, मान नजरा लाख बहाने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक वेब सीरीज़ के बारे में, बंदिश बैंडिट्स के बारे में। इसकी बहुत सारी अच्छी बातें आपसे शेयर करूँगा जो सभी म्यूजिक लवर्स के लिए, म्यूज़िक सीखने वालों के लिए बहुत ही मायने रखती हैं। हमको ये चीज़ बहुत सुनने को मिलती है कि शास्त्रीय संगीत जो है कम प्रचलन में है और उसके सुनने वाले कम होते जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन हम उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की वेब सीरीज़ को बनाकर जो कोशिश इन्होंने की है, इन लोगों ने जिन्होंने भी इसको बनाया है, मैं डिटेल में नहीं गया हूँ कि कौन है इसके मेकर्स, किसने इसको जो है तैयार किया है, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे सच्ची कोशिश नहीं हो सकती शास्त्रीय संगीत के लिए। इससे सच्ची श्रद्धा जिस तरह से उन्होंने दिखाई है, इसको डिटेल्ड में बड़ी बारीकी से इसके अंदर जो है जो चीज़ें दिखाई हैं, जो इस शास्त्रीय संगीत को जो है पूरी तरह से आपको अच्छे से समझने में जो है मददगार हो सकती हैं, तो जो उन्होंने किया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और उनको तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ़ से, और मेरी तरफ़ से उनको जो है प्रणाम के उन्होंने जो है इस दौर में जबकि इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मीडिया में, ऐसे वेब सीरीज़ को उन्होंने बनाया, उन्होंने रिस्क लिया, इस तरह के टॉपिक को चुना। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है इस टॉपिक को चुना और उसको इतना खूबसूरती से जो है पब्लिक के सामने रखा। इसके कलाकारों की अगर बात करूं तो सब ने ही इतना खूबसूरती से अपने अपने जो है किरदार को निभाया है, उनको देखकर लगता है कि उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की होगी कलाकारों के ऊपर, शास्त्रीय संगीत में जो कलाकार होते हैं उनके ऊपर, उनका रहना, उनका बात करना, इतना सारा, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ वही है, वहीं पहुँच गए हों आप, ऐसे उसी माहौल में हों। इतना खूबसूरती से सब लोगों ने अपना अपना जो पार्ट जो है पूरा किया है। सो अब आगे बढ़ते हैं और मैं इसके डिटेल्स कुछ आपसे जो शेयर करना चाहता था वो जो है आपसे मैं बात करता हूँ। तो जिस तरह से आजकल नकली सिंगर्स की भरमार है और कैसे उनको पब्लिक समझ नहीं पाती है, आम पब्लिक की बात करते हैं, तो ये आपको इस वेब सीरीज़ को देखकर समझ आएगा। और मैं कहता हूँ कि जितने भी म्यूजिक सीखने वाले हैं या शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले हैं उन सभी को ये ज़रूर देखना चाहिए वेब सीरीज़, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा अनुभव मेरा खुद का रहा। मैंने पहले एक दो देखा उसका जो एपिसोड पहला देखा, दूसरा देखा, और फिर मैं ऐसा हो गया कि मुझे पता देर से चला कि ऐसा कुछ आ रहा है, चल रहा है, इसलिए वो सारे एपिसोड मेरे लिए तैयार थे और मैंने सारे एक एक करके सारे जो एपिसोड एक ही दिन में ख़त्म, मैं उसको रोक ही नहीं पाया कि इसे फिर देख लूँगा। मुझे जिस दिन सारे एपिसोड लास्ट में ख़त्म किया मैंने, मुझे काफ़ी रात हो गई, लेकिन मैं उसको रोक छोड़ नहीं पाया। तो पहले एक दो ही सीरी मैंने वो जो है देखा था एपिसोड, और फिर मैंने जब उसको एक दिन बैठा, देखता गया, और फिर ये नहीं हुआ कि मतलब यहीं रोक दूँ फिर देख लूँगा, सारे ख़त्म करके जो है मैंने फिर पूरा किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख कर। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से सिंगर्स आम पब्लिक देखती है, पॉपुलर म्यूज़िक में जिस तरह से सिंगर्स जो काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत पास से आपको समझने का मौका मिलेगा कैसे म्यूज़िक कंपनीज काम करती हैं, वो भी थोड़ा सा हिंट मिलेगा आपको, कैसी चीज़ें पब्लिक के सामने लाई जाती हैं वो भी देखने को मिलेगा। और ये पॉइंट सिर्फ मैंने इसलिए रखा है नकली सिंगर्स का कि अब से दो या शायद 3 साल पहले यूट्यूब का जो यूट्यूब फेस्ट होता है, शायद मुंबई में था, वहाँ पे कलाकारों को बुलाया जाता है, सिंगर्स को बुलाया जाता है। उसमें एक तो यूट्यूब सिंगर थे जिस जो सिंगर के रूप में ही यूट्यूब पर काम कर रहे थे, और एक थे पंजाबी इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने सिंगर जो कि बॉलीवुड में भी उन्होंने गाया था। तो दोनों ने ही परफॉर्म किया और दोनों ही सिंगर का परफॉर्मेंस जब सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो गा नहीं सकते ठीक से लाइव में। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट रखा जो इस वेब सीरीज़ में भी आपको जानने को मिलेगा, समझने को। आम लोग अक्सर यही समझते हैं कि जिसका गाना मूवी में आता है वो बेस्ट सिंगर होता है, या जो बहुत पॉपुलर है वही अच्छा गाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इस सीरीज़ में ये समझ पाएंगे कि परफॉर्मर क्या होता है और सिंगर क्या होता है, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें आपको डिटेल में जानने को मिलेगी कि परफॉर्मर और सिंगर का डिफरेंस क्या है, यानी जो बहुत ज़्यादा
आपको एक्टिव दिखते हैं स्टेज पे, कई बार वो गा भी नहीं रहे होते हैं, है ना, उनके पीछे गाना प्ले हो जाता है और वो सिर्फ डांस कर रहे होते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं गा सकते। तो इस वेब सीरीज़ में उस पहलू को भी दिखाया गया है। अगर मैं पर्सनल अपना व्यू आपको बताना चाहूँ तो ये घराना जो शब्द है, ये पता नहीं क्या मुझे शुरू से ही पसंद नहीं आया था। जब भी मेरी रुचि हुई शास्त्रीय संगीत में, उसके बाद से मुझे घराना जो शब्द है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा कभी, ना ही मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया, और पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आया। उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा जो पंडित जी का रोल जो इसमें है, जो नसरुद्दीन शाह जी ने किया है, वो रोल बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अदा किया है। लेकिन जो रोल, जो किरदार है, उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शास्त्रीय संगीत में भी, चाहे किसी भी संगीत में, पॉपुलर म्यूज़िक में आप डूबना चाहते हैं तो आपको इतना नहीं डूबना है कि आप जो है ये भूल जाएं कि आपका घर गिरवी रखा है, आप ये भूल जाएं कि आपने एक परिवार पीछे छोड़ रखा है, और आप ये भूल जाएं कि आपका जो परिवार है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि कलाकार होने से पहले, पंडित जी से होने से पहले तो आप इंसान हैं ना, और इंसान होते हुए आप परिवार तो खड़ा करते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेना चाहते। तो ऐसा पंडित आपको नहीं बनना है कि आप शादियां तो दो दो कर लें और जिम्मेदारी एक की भी आप ना ले लेना चाहें, मुझे ये ठीक नहीं लगता। तो इतना नहीं डूब जाना है, बस ये पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मे बी आप लोग सहमत ना हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। आपके पास चॉइस है, अगर आपको इतना ज़्यादा डूबना है तो आप शादी ना करें और परिवार अपना जो है ना बनाएं। आप अपनी लाइफ का जो मर्जी कर सकते हैं, कितना भी उसमें जो है आप पागलपन की हद तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका परिवार है तो आपको बैलेंस रखना होगा, उनकी जिम्मेदारियों को भी आपको ध्यान रखना होगा, और उसके हिसाब से आप जो है म्यूज़िक को अपना समय दे सकते हैं। इस पॉइंट को भी मैं वेब सीरीज़ के लिए नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं। वेब सीरीज़ हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो म्यूज़िक से थोड़ा सा भी संबंध रखते हैं, और ये आपको रूबरू कराएगी कि किस तरह शास्त्रीय संगीत और किस तरह पॉपुलर म्यूज़िक को, क्या स्ट्रगल है आर्टिस्ट की लाइफ में, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, किस तरह से वो इतनी परेशानी उठा रहे हैं, और अपने जो उन्होंने अपने उसूल बना रखे हैं कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है, किस तरह से उन चीज़ों से वो लड़ते हैं, तो ये बड़ी बारीकी से आपको समझने को मिलेगा, और आपके मन के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद मिल जाएंगे। तो आई होप कि ज़रूर आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे, और देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप देखेंगे तो ऐसे और भी वेब सीरीज़ बनने लगेंगे, और इससे अच्छा हम लोगों के लिए, म्यूजिक लवर्स के लिए क्या हो सकता है। और आप देखेंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं, जो इसके मेकर्स हैं, और मैं जस्ट उनको सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई आज के टाइम में इस टॉपिक को चुनकर, उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया। तो हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, इसको और म्यूजिक लवर्स तक पहुँचाना चाहिए। तो नेगेटिव कुछ नहीं है, बस वो किरदार के बारे में मैंने बात की है, अगर एक पॉइंट मुझे नेगेटिव लगा तो, बाकी आपको ज़रूर देखना चाहिए। आई होप के आप इसको देखकर इन बातों पर गौर ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।